दुनिया में आप जिधर भी जाओ जींस पैंट को खरीदने के लिए, कोई भी दुकानदार आपको बोलेगा नहीं आपको पॉलीमिक्स जींस दे रहा हूं मैं। हर दुकानदार कोशिश करेगा जींस को बेचने का टाइम, भाई मैं आपको जो जींस बेच रहा हूं ये कॉटन बाय कॉटन, ठीक है? ये देखो बबल बबल टाइप का हो रहा है, यानी कि वो प्लास्टिक का धागा जल रहा है तो वो बबल टाइप का दिख रहा है। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, शायद आपको कैमरा में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये है इसका ओरिजिनल कलर, और ये कलर का प्रोसेस करके इसको कलर धुलाया जाता है, लेकिन ये RFD में ना कलर चढ़ाया जाता है, ठीक है? जैसे ये ग्रे कलर चढ़ाया, इसका ऊपर ये जो है ना क्रीम। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है, फिर से स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। IUP और ऑल ऑयल एंड आई एम वेरी फाइन टू। दोस्तों आज इस वीडियो को माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 100% कॉटन जीन्स और जो पॉलीमिक्स जीन्स है दोनों का जो फैब्रिक है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ टेस्ट करके बताऊंगा कौन सा 100% कॉटन है और कौन सा पॉलीमिक्स फैब्रिक है, ठीक है, जीन्स पैंट का फैब्रिक। तो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में पूरा कंपैरिजन करूंगा दोनों फैब्रिक में क्या कैसा पहचान सकता है, ठीक है? तो RFD फैब्रिक का ऊपर टेस्ट करूंगा मैं। मेरा एक दोस्त का फैक्ट्री पे गया था तो मेरा दोस्त से थोड़ा जंग छिड़ गया, यानी वो हो गया, मतलब दोस्त बोल रहा था ये कॉटन बाई कॉटन है और मैं बोल रहा था नहीं ये पॉली बाई कॉटन है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से वो भी डिस्कस करूंगा और ये फैब्रिक मैं आपका सामने साबित करके दिखाऊंगा ये कॉटन बाई कॉटन है और ये पॉलीमिक्स है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो मेरा चैनल पे पहला बार आया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए थैंक यू सो मच। है गाइस, वेलकम बैक टू द FM फैशन, एंड मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमर फारूक, आप देख रहे हैं YouTube चैनल FM फैशन ETC नॉलेज। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर न करें इस वीडियो को फटाफट। सो गाइस, मैं आया था घूमने के लिए मेरा एक दोस्त का फैक्ट्री में, तो इधर आके देखा इधर RFD का जो जीन्स होता है ना उसका कटिंग हो रहा है, ठीक है? तो मेरा दोस्त जो है ना, दोस्त का साथ थोड़ा जंग छिड़ गया है मेरे साथ। मैं ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा को मैंने बोला ये पॉली बाय कॉटन RFD है, ठीक है? क्योंकि ये इसका उल्टा साइड जो है ना एकदम स्लिप हो रहा है, ऐसा करने में स्लिप हो रहा है, और इसका सीधा बाजू में ना हाथ ऐसा पकड़ रहे, और ये कपड़ा जो है ना मैं वेट करके भी देखा है, ऐसा हाथ में उठा के देखा है, इसका वेट भी बहुत कम है, ठीक है? उधर एक टुकड़ा पड़ा है उसको भी मैं हाथ में ऐसा लेके देखा है, उसका भी वेट कम है। तो मेरा दोस्त का साथ थोड़ा समझ लीजिए जंग चिढ़ गया है भाई, बहस हो गया। तो मैंने ना आज ये वीडियो में आप लोगों का साथ शेयर करूँगा और साबित करके दिखाऊँगा ये जो RFD कपड़ा है ना ये कॉटन बाई कॉटन नहीं है। तो साबित करने के लिए ये वीडियो में आपको कंटिन्यू बने रहना है, और आपका सामने में साबित करके दिखाऊंगा ये जो कपड़ा है ये कॉटन बाय कॉटन नहीं है। क्योंकि जींस पैंट का दुनिया में आप जिधर भी जाओ जींस पैंट को खरीदने के लिए, कोई भी दुकानदार आपको बोलेगा नहीं आपको पॉलीमिक्स जींस दे रहा हूँ मैं। हर दुकानदार कोशिश करेगा जींस को बेचने का टाइम, भाई मैं आपको जो जींस बेच रहा हूँ ये कॉटन बाय कॉटन, ठीक है? तो ये जो RFD है, ये कपड़ा RFD आपका सामने है, और इसी का टेस्टिंग का पीस ये है आपका सामने, ये सिंकेस का पीस है। तो इसमें कुछ ब्लू टाइप का OD कलर किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और थोड़ा हल्का हल्का इसमें जीरा भी किया है, जो ये व्हाइटनेस दिख रहा है आप, और इसका ऊपर एकदम मक्खन जैसा मुलायम जैसा दिख रहा है, मतलब एकदम पूरा 100% कॉटन का फील है इसमें। लेकिन ये ओरिजिनल में क्या है ये? This video is sponsored by No Skip Denim Jeans. दोस्तों No Skip Denim Jeans आपको देता है एक बेहतरीन क्वालिटीफुल जींस। दोस्तों No Skip Denim Jeans आपको देता है कलर का गारंटी, फैब्रिक का गारंटी एंड मटेरियल का गारंटी। दोस्तों No Skip Denim Jeans का साथ आप होलसेल करना चाहता है या आपका दुकान पे एक बेहतरीन क्वालिटीफुल जींस को बेचना चाहता है तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है 7709736770। दोस्तों इस वीडियो को पूरा स्पॉन्सर करने के लिए No Skip Denim Jeans को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। ये 100% नहीं है, ये 40-60 है, यानी 60% इसमें पॉली है और 40% इसमें कॉटन है। आप देख सकते हैं ये इसका उल्टा साइड में पहले से ही निकाल के रखा है, ये उल्टा साइड में आप देख सकते हैं इसमें कलर नहीं पकड़ा, क्योंकि ये पॉलिस्टर में कलर नहीं पकड़ता है, कॉटन में ही
कलर पकड़ता है। ये जींस का प्रोसेस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है इसका पीस, कितना खूबसूरत और कितना गुड, एकदम निखार देख रहा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि ये उल्टा बाजू का जो व्यू है, और ये जो है ना ये कच्चा है, ये जो फैब्रिक है ये कच्चा है, आप देख सकते हैं इसका व्यू और इसका व्यू में कोई फर्क नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग का पीस है और ये आरएफडी है। तो चलिए मैं आपको ये जो फैब्रिक है ये टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। उसके लिए मैं इतना फैब्रिक लेके जा रहा हूँ, थोड़ा बाहर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इसका अंदर वो टेस्ट पॉसिबल नहीं है। और ये जो टेस्ट मैं करूँगा तो आप देख के भी आप चौंक जाएगा, भाई ये क्या है। सो गाइस, आप देख सकता है ये है बेल्ट, ये बेल्ट है, ये लुप्पी है, और ये है मिनी पॉकेट, और ये है फॉन्ट आगे का हिस्सा है, और वो है पीछे का हिस्सा है। बाकी जो है ना सब ये आप जो बाकी जो पार्ट है जींस पैंट में, जैसे डबल सिंगल योक बैक वगैरह जो भी होता है सब काट के रेडी है। इधर नीचे भी रखा है, आप देख सकते हैं नीचे चिंदी भी है, और ये देख लीजिए ये भी पड़ा है, और इसमें का बहुत सारे रोल भी इधर पड़ा है, आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारे अलग अलग फैब्रिक है सब, आप देख सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये एक रोल है, ये एक्रू है, ठीक है, और ये है कॉटन बाय कॉटन। इसका आड़ा का धागा और इसका खाड़ा का धागा जो है ना ये दोनों साइड कॉटन बाय कॉटन। तो ये जो है ना ये भी मैं एक टुकड़ा लेके जाता हूँ टेस्ट करने के लिए, साइड बाय साइड आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा ना तो ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। सो गाइस, मेरा दोस्त और दो नमूना मेरे को निकाल के दिया, दोनों आरएफडी का नमूना है, और एक डेनम का पीस दिया। तो इसका भी उल्टा बाजू में कलर नहीं पकड़ा, क्योंकि ये जो डेनम का फैब्रिक है ना इसमें कलर का प्रोसेस नहीं होता है, इसमें डीएक्स केमिकल का प्रोसेस होता है, क्योंकि इसका ऊपर ब्लू का इंडिको रहता है, वो इंडिको का ऊपर कलर को मतलब फेड किया जाता है, यानी किसी केमिकल के माध्यम से इसका जो कलर है ना वो थोड़ा गिराया जाता है, यानी कि थोड़ा धुलाया जाता है, धुल के इसका कलर ये लग के आ, क्योंकि ये डार्क रहता है, आप देख सकते हैं ये जो है ना ये इसका ओरिजिनल कलर है, ये है इसका ओरिजिनल कलर, और ये कलर का प्रोसेस करके इसको कलर धुलाया जाता है, लेकिन ये आरएफडी में ना कलर चढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे ये ग्रे कलर चढ़ाया, इसका ऊपर ये जो है ना क्रीम कलर चढ़ाया, इसका ऊपर ब्लू कलर चढ़ाया, तो आरएफडी का प्रोसेस ऐसा होता है, ठीक है। डेनम का प्रोसेस अलग होता है, डेनम का कलर मिल में से इंडिको आईबीएसटी ऐसा बहुत अलग अलग कलर का वो जो ओडी है सब कलर होके आता है, इसमें खाली डीएक्स का प्रोसेस होता है, यानी कि एक ब्लिस केमिकल से कुछ प्रोसेस करके इसको 1 2 3 तीन कलर का तीन शेड दिया जाता है, ठीक है। तो ये है मेन फंडा, और ये जो है ना ये ओडी कलर चढ़ाया जाता है, तो ये कॉटन साइड में कलर चढ़ गया, और ये उल्टा बाजू में आप देख सकते हैं ये व्हाइट है, यानी कि इसका कलर चढ़ा नहीं है। सो गाइस, ये जितना हो सके मैं आप लोगों को कोशिश किया है समझाने के लिए, बाकी मैं ये टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये कॉटन बाय पॉली है, और एक कपड़ा है ये सामने रोल पड़ा है, एक्रू फैब्रिक है, ये भी कॉटन बाय कॉटन है, ये दोनों साइड बाय साइड आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो गाइस, मेरा दोस्त जो है ना वो और एक पीस निकाल के दिया, आप देख सकते हैं ये है सीधा बाजू, ये है सीधा बाजू, और ये है उल्टा बाजू। तो मैंने बोला ना कॉटन बाय कॉटन होएगा तो उसका दोनों साइड में कलर चढ़ेगा, जैसा कि ये साइड में भी कलर चढ़ा और ये साइड में भी कलर चढ़ा, यानी आड़ा का धागा और खड़ा का धागा दोनों साइड का धागा इसका कॉटन बाय कॉटन है, तभी इसमें कलर चढ़ा है। और इसका जो कच्चा फैब्रिक है वो ये इधर रोल खड़ा है, ये रोल है, ये रोल का वो मेरून कलर का पीस है, ठीक है। बाकी ये तीनों आरएफडी का पीस है और ये डेनियम का पीस है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो आरएफडी है ये पॉली बाय कॉटन है, और ये जलने में आप देख रहे हैं, ये देखो जैसा कि कोई पन्नी प्लास्टिक जलने में जैसा उसका बिहेवियर होता है वो ऐसा ही हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये उल्टा साइड है आरएफडी कपड़े का, और ये उल्टा साइड है, और ये इसका सीधा साइड, ठीक है। तो सीधा साइड में इसका कॉटन का जो है वो कैसा जल रहा है आप देख सकते हैं, और इसका जो उल्टा साइड है, और ये साइड में मैंने रखा है ये है 100% कॉटन, ठीक है। तो इसका जलने का जो तरीका, जलने का जो सीन है वो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये कॉटन बाय कॉटन है, ये 100% कॉटन है, इसका आड़ा का धागा और खड़ा का जो धागा है वो पूरा कॉटन है, और ये जो है ना ये आड़ा और खड़ा इसका दोनों साइड
आप देख सकते हैं। और ये जैसा कि ये पापड़ जैसा हो रहा है, यानी कि प्लास्टिक है, इसमें एक साइड प्लास्टिक है, आप देख सकते हैं। क्लोज में आपको दिखाता हूँ, ये देखो बबल बबल टाइप का हो रहा है, यानी कि वो प्लास्टिक का धागा जल रहा है तो वो बबल टाइप का दिख रहा है। ये देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, शायद आपको कैमरा में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। सो गाइस, आपका सामने है ये जो है ना, ये 100% कॉटन है। और आप देख सकते हैं जैसा कि कागज होता है ना, कागज जलने में जैसा होता है ना, वो ऐसा ही हो रहा है। और ये जो है ना, ये 100% कॉटन नहीं है। मैं वो दोस्त को बोला है, इसमें 60% कम से कम 60% पॉलिस्टर है। आप देख सकते हैं इसका अंदर जो है ना, वो प्लास्टिक जल रहा है, यानी कि पॉलिस्टर का जो धागा जल रहा है तो ऐसा बबल बबल टाइप का हो रहा है। और ये देखो, एकदम जैसा कि कोई लकड़ी या कोई कागज जलाएगा तो जैसा जलता है वैसा ही जल रहा है। अभी इसका जो राग है ना, वो राग में जो प्लास्टिक का हिस्सा है ना, वो दाना दाना बनते जा रहा है। और उसका जो राग है ना, वो एकदम मतलब पाउडर टाइप का बनते जा रहा है। तो ये है 100% कॉटन, और ये है 40% इसमें कॉटन है, और कम से कम 60% इसमें पॉलिस्टर है। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये पॉली बाई कॉटन है। इधर आप देख सकते हैं ये लादी है, और लादी के ऊपर ऐसा चिपक रहा है। ये देखो, ये जो है ना, ये गम टाइप का, ये जो है ना, ये प्लास्टिक है, ये पॉलिस्टर है, एकदम ऐसे चिपक रहे, आप देख सकते हैं। बाकी जो कॉटन है ना, वो एकदम राग बन गया। ये देखो ये पूरा जला नहीं है तो ये कड़क हो गया, जैसा प्लास्टिक का पन्नी जलाने में जैसा कड़क होता है ना, वैसा ये भी कड़क हो गया। बाकी जो पूरा जल गया ना, उसका जो प्लास्टिक का हिस्सा है वो लादी पे ऐसा चिपक गया ऑयल के जैसा, अभी ये चिपक रहे, ठीक है। और ये है 100% कॉटन, इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ, जैसा कि कोई दाना दाना बा कोई वो है, ये नहीं है, ऑयल जैसा नहीं है, आप देख सकते हैं। ये पूरा जैसा न्यूज़पेपर या जो बुक वगैरह का जो पन्नी होता है, पेपर होता है, वो जलने में कैसा होता है, एकदम पाउडर टाइप का वो हो गया, और ये थोड़ा दाना दाना टाइप का हो गया। तो ये है पॉली बाई कॉटन। पॉली भी है, पॉलिस्टर भी है, और कॉटन भी है, दोनों का मिक्स में ये कपड़ा बना हुआ है। और ये जो है ना, ये पूरा कॉटन बाई कॉटन का ही मतलब ये कपड़ा है, ठीक है। तो यही आप लोगों को मैं बताना चाहता था, और मैं अपने दोस्त को समझा नहीं पाया, तो ये वीडियो उसको दिखा दूंगा, शायद वो समझ जाए, क्योंकि वो भी बहुत सालों से जींस का मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इसीलिए वो मेरे से बहस कर रहा था, भाई नहीं, ये जो RFD है ये 100% कॉटन है, क्योंकि हर कोई कपड़े में हाथ लगा के उसका पहचान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आप समझ सकते हैं, बहुत लंबा टाइम से जो इस लाइन पे काम कर रहा है वो हाथ लगा के समझ सकता है, जो नया नया आया हो सकता है उसको टाइम लगेगा। और तो आई होप दोस्तों आप समझ गया होएगा। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको जींस पैंट के बारे में छोटा छोटा नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेटिंग कर लीजिए, ताकि मैं जैसा वीडियो अपलोड कर रहा हूं सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपका डिवाइस पे। सबसे लास्ट सॉरी फ्रेंड्स से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आजू बाजू साफ सुथरा रखे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना और अपने को भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।